हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे सबसे प्रख्यात फोक आर्ट की, जिसे हम मधुबनी कला कहते हैं। मधुबनी किशनगढ़ की फेमस पेंटिंग मधुबनी कला, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस बारे में। ये भारत की सबसे प्राचीन फोक आर्ट से रिलेटेड मधुबनी को कहा जाता है। तो हम चर्चा करते हैं। भारत में लोक संस्कृति को लोक परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं। प्रत्येक राज्य में किसी न किसी में लोक संस्कृति के दर्शन हो जाते हैं। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में हमें एक ऐसी लोक परंपरा से साक्षात होता है जो क्षेत्रीय सीमाओं को लांग कर पूरे देश में अपना कलात्मक प्रभुत्व कायम कर चुकी हैं। यहाँ की लोक एक भित्ति चित्रकला मधुबनी की कला उद्भव स्थल बिहार राज्य का वह क्षेत्र है जहाँ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय, कटिहार तथा सीतामढ़ी आदि जिले हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र मिथिला अथवा मिथिला क्षेत्र कहलाता है। मधुबनी चित्रांकन की परंपरा का शुभारंभ मैथिली क्षेत्र की महिलाओं द्वारा हुआ। समाज में प्रचलित अनेक उत्सवों, त्योहारों और शुभ दिनों में महिला मिट्टी के रंगों द्वारा घर बाहर, आंगन, देरी आदि की लिपाई पुताई के बाद कुची के माध्यम से सजाया करती थी। सजा के इस लोक परंपरा के मधुबनी कला का जन्म हुआ। मिथिला क्षेत्र में प्राचीन प्रचलित सांस्कृतिक आख्यानों एवं पुराण कथाओं को आधार बनाकर दीवारों तथा कपड़े पर की जाने वाली कला मधुबनी कला कहलाए। तो ये फोक आर्ट है जो गांव से प्रेरित होकर गांव से आई और इसको एक एक चांस मिला आर्ट में आने का, तो ये मधुबनी कला फेमस मानी गई। अब मधुबनी की जो विषय वस्तु थी उसमें क्या था, मधुबनी की जो कला विषय वस्तु का चुनाव होता था वो प्रसिद्ध था महाकाव्यों से, पौराणिक से, यह रामायण, महाभारत, गीता, शिव पुराण, गौरी पुराण, दुर्गा सप्तशती एवं विष्णु पुराण आदि ग्रंथों से लिया जाता था। बल्कि शेषाई भगवान, विष्णु भगवान, शिव पार्वती, गौरी, राम, सीता, श्री कृष्ण सारे पुराणों से इसकी विषय वस्तु का चुनाव किया जाता था, जिसे संसार की वास्तविक रचना को समीक्षण किया है उसी के लिए ये उसका विषय वस्तु चुनाव करते थे। शिव तथा शक्ति को मधुबनी के कलाकार पुरुष तथा नारी के प्रतीक रूप से प्रस्तुत करते हैं। मछली, चूहे, सुगे, कछुए और पशु पक्षी के चित्रांकन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। कोठरों तथा दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें देवी देवताओं के चित्रों का बहुमूल्य होता है। इनमें शंकर, पार्वती, राम, सीता, राधा कृष्ण, श्री गणेश, माँ काली, माँ दुर्गा तथा हनुमान आदि का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसके कुछ रंग व माटी की मिट्टी से बनी कुछ चीज़ों के बारे में भी इंक्लूड होते हैं। मधुबनी जो चित्र हैं वे चटक देशी रंगों का प्रयोग किया जाता था। इनमें मिथिला क्षेत्र में माटी और अनेक रंग सीधे प्रकृति से प्राप्त किए जाते थे। उदाहरण के लिए जैसे गेंदे का फूल है वो हल्दी से पीला व जगा कुसुम से लाल व नारंगी बनाए जाते थे, कलर बनाए जाते थे इस तरह से। और जो काजल से काला कलर बनाया जाता था, सेम के पत्तों से हरा रंग बनाया जाता था। इसी प्रकार अन्य वस्तु का इस्तेमाल कर रंगों का की योजना की जाती थी और उसे अपने उसमें लगाया जाता था। बांस के तिल्ली, रुई, सूत के धागों से कुची बनाई जाती थी, ब्रश बनाया जाता था जो रंग भरने के काम आती थी और आकृतिक व रेखा इसमें कुची से बनाई जाते थे। इसका निर्माण करने वाले कलाकार कोई प्रशिक्षित नहीं थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वह विशेषकर महिलाएं थीं जो अपने पारंपरिक जीवन में रहकर उनको उद्देश्यपूर्ण नहीं बनाया, लेकिन वो अपने खुद के लिए बनाती थी, लेकिन आज ये उद्देश्यपूर्ण माना जाता है। मधुबनी की जो उदाहरण है जैसे हम देखते हैं अनुपम उदाहरण जो आज जीवित ही नहीं है अपितु एक परिलिप्त होती है। इसका चित्रांकन, रंग प्रयोग और इसके प्रभाव को लोक रूप आज भारत में प्रत्येक राज्य में पसंद किया जाता है। मिथिला की मनोहारी चित्रकला मधुबनी रंगों का
एक निराला अनुभव है। इसकी स्वाभाविक अनगणता एक काल्पनिक लोक भव्यता की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।